नरवाना के अंदर मौजूद है। नरवाना के अंदर आपने बता दूं जो INLD प्रत्याशी लोकसभा से संदीप लोट है वो हमारे साथ मौजूद है, अलका अध्यक्ष अंग्रेज नैन हमारे साथ मौजूद है, जिला प्रधान हमारे साथ मौजूद है, सभी इनेलो की पूरी टीम यहाँ पर मजबूत यहाँ पर है और इनसे हम बातचीत करेंगे। जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसी को लेकर अभी तक उसका चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही पार्टी की मीटिंग आज हुई और किस प्रपल्स को लेके हुई और इतनी जल्दी अभी तक किसी भी पार्टी की कोई इस तरह की मीटिंग देखने को नहीं मिल रही। सभी पार्टियां अगर बात करें तो चुनाव के जो रिजल्ट है उसके मतलब वेट में है, उसके बाद में ही कोई गतिविधियां पार्टियों की होगी, लेकिन उससे पहले ही इनेलो के अंदर एक मीटिंग हुई है, किस प्रपल्स को लेके हुई है? सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम। चुनाव हुआ लोकसभा, अभी तक रिजल्ट तक नहीं आया, उससे पहले ही इनेलो की एक मीटिंग शहर के अंदर, कोई बड़ा धमाका कुछ इस तरह, क्या पार्टी के अंदर चल रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर एक मजबूत और पार्टी समर्पित कार्यकर्ता ने बहुत ही लगन से जो है ये लोकसभा चुनाव लड़ा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि मुझे अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए और आगामी जो भी परिणाम हो उसके हिसाब से हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने आज एक मीटिंग का आयोजन किया था, कार्यकर्ता मीटिंग का, कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए हम अपनी आज से ही कमर कस के और पूरी मजबूती के साथ जो है आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और सिरसा लोकसभा की नौ सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है उसको हमने आज रखा है सभी कार्यकर्ताओं के बीच में। चुनाव के बाद में पहली बार आप हमारे कैमरे के ऊपर आई हैं, चुनाव के दौरान जो चश्मा लगाकर आप जनता के बीच में जा रहे थे, स्टार्टिंग में जो आपके चेहरे की हंसी थी अभी भी वही चेहरे की हंसी दिख रही है, तो कैसा क्या कुछ लग रहा है कि नौ की नौ विधानसभाओं में आपने कवर किया, किस तरह का फील आपने किया? देखिए, मैं बताता हूँ, चश्मे तो वैसे मेरी असल में निगाह कमजोर है, बाकी मैं चश्मे के चुनाव चिन्ह पर मैंने चुनाव लड़ा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने एक ऐसे चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा है कि जो हमेशा से ही जिन्होंने कुर्बानी देने का काम किया, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल जी की बात करें, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से जो है इस्तीफा दिया था, और चाहे हम बात करें आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, तो उन्होंने भी जो है अपनी एक सीट थी विधानसभा में किसानों के समर्थन में, उन्होंने उसको भी कुर्बान करने का काम किया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोकसभा का चुनाव सिरसा से एनक के निशान पर लड़ सकूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो प्यार प्रेम और जो आशीर्वाद जो स्नेह मुझे मिला उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो निशब्द है। बार बार मीडिया में आपने सुना होगा, पत्रकार साथी कह रहे थे कि बड़े दुरेंद्र आपके सामने हैं, शैलजा है, तवर है, एक इस जो आपने चुनाव लड़ा वहां पर जाने के लिए, उस टिकट को पाने के लिए लोग सोचते हैं कि पहले जिला पार्षद बनना चाहिए, फिर उसके बाद MLA, उसके बाद में MP, लेकिन संदीप लोट SDO की कुर्सी से सीधा वहां पर पहुंचा और उसके बाद में जनता के बीच में गया, तो कैसा आपको दिखा जनता का, मतलब कि भाई आप उस टिकट को लेकर आए हैं नरवाना के अंदर, हल्का प्रधान पहली बार टिकट ले गए, पहली बार ही आप चुनाव लड़ रहे थे, तो जनता ने कभी आपको मतलब इस तरह का कोई फील नहीं कराया भाई आप उस पद पे आए हैं तो उसको लेकर? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं कराया जनता ने, और जनता ने मुझे बहुत अपार प्यार दिया और मुझे आश्वस्त भी किया कि बेटा आपने जो चुनाव लड़ा है बहुत ही अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा है और मैं आश्वस्त हूँ अपनी जीत को लेकर के, चाहे मेरी जीत 500 वोटों की हो चाहे 5000 की हो, मैं आश्वस्त हूँ। बड़े बड़े धुरंधर, ठीक है जी, शैलजा जी दो बार चार बार के सांसद हैं, दो बार जो है वो राज्यसभा सांसद भी हैं और अशोक तंवर जी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव धुरंधर भी हारते हैं और इन धुरंधरों ने भी चुनाव में हार का सामना किया है, और मैं तब भी भयभीत नहीं था, मैं जब भी अपनी इसी मुस्कान के साथ मैंने अपना जो है चुनाव प्रचार शुरू किया था और चुनाव प्रचार का आगाज किया था, और मैं आज भी उसी मुस्कान के साथ हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने उनके सामने चुनाव लड़ा है क
कि जो अपने आप में सभी मीडिया पत्रकार थे और भी मुझे कईयों ने कहा कि भाई बड़े बड़े चेहरे हैं तो कोई बात नहीं, बड़ों के सामने भी कोई तो लड़ने का हिम्मत दिखाएगा। तो मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये मौका दिया तो मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं इन लोगों के बीच में मैंने चुनाव लड़ा और पूरे सिरसा पार्लियामेंट्री में मुझे जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिला वो अपने आप में अभिभूत करने वाला है। और आसपास की लगती लोकसभा क्षेत्रों में भी ये चर्चाएं हैं कि हार जीत किसी की भी हो वो तो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन चर्चा का विषय ये जरूर है कि INLD से जो संदीप लोट ने चुनाव लड़ा वो कितने मत लेकर के जाते हैं। बड़े टीवी चैनलों की बात करें तो संदीप लोट को वहां पर नहीं दिखाया जा रहा, बता रहे हैं कि शैलजा की और तवर की टक्कर है और संदीप लोट को बिल्कुल हल्के में लेकर, लेकिन जो गांव मतलब लोकल जो सर्वे है उसमें बार बार एक बात आ रही थी कि भाई करीबन जो 20 लाख वोट है उसमें जो संदीप जिस समाज से है उनके करीबन 5 लाख वोट है, उनमें से 3 लाख वो वोट लेकर चलता है और पार्टी का वोट बैंक आता है, तो ये जो मुकाबला है वो 3 कोना भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो समीकरण बड़ी मीडिया दिखा रही है उसका जो समीकरण वो आप बिगाड़ने वाले? देखिए, बड़ी मीडिया ने जो भी किया मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर धरातल पर जिन्होंने काम किया वो सभी जानते हैं कि इस सीट के ऊपर सिरसा पे, कुरुक्षेत्र पे, हिसार में तिकोणीय मुकाबला था और जबरदस्त फाइट रही है और कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो सीधा टकराव था वो कांग्रेस का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था। बिल्कुल।